केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पटियाला दे अपने एक दिना दौरे दौरान अज वख-वख समागमां विच हिस्सा लिया। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने डॉ मनसुख मांडविया नाल मुलाकात कीती। उन्हां केंद्रीय मंत्री नूं पंजाब दीआं सेहत खेतर दीआं मंगां संबंधी एक मंग पत्र सौंपिया। इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने नीट पीजी केंद्र का दौरा किया अते प्रबंधां दा जायजा लिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पटियाला दे इतिहासक माता काली देवी मंदिर विखे मत्था टेकिया। मगरों ओ गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे भी नतमस्तक होए अते संगतां नाल गलबात कीती। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇ ਕਾਰਯ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ समृद्ध तब हो सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी स्वस्थ होती है, स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक दृष्टि से देखा गया, नहीं केवल मेडिकल सीटें बढ़ाई गई लेकिन उसके साथ देश में 1,50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किया गया, जहां लोगों को वेलनेस के लिए भी सुविधा होती है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ हब एंड स्पोक सिस्टम के द्वारा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन का भी प्रारंभ किया गया।